पिछली वीडियो में हमने कैंसर रिलैप्स के बारे में बात करी थी और ये चर्चा करी थी कि कैसे कैंसर स्टेम सेल्स ही वो जड़ है जिस वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी कराने के बाद भी कैंसर रिलैप्स के शिकार हो जाते, और सिर्फ रिलैप्स ही नहीं, वो कैंसर सेल्स कीमो रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं जिस वजह से अगली बार ट्रीटमेंट्स के काम करने के चांसेस और कम हो जाते हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं जहां हमने दो मेडिकली प्रूवन वजहें डिस्कस करी हैं जिससे कैंसर रिलैप्स हो जाता है। अब ट्रीटमेंट्स के बाद आपका कैंसर रिलैप्स ना हो उसके लिए हमें उन नेचुरल चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है जो आप घर में रहकर कर सकते हैं जो इन स्टेम सेल्स को मारती है। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 ऐसे फूड प्रोडक्ट और उनके अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स के बारे में जो एक 2015 की स्टडी के अकॉर्डिंग इन डेड स्टेम सेल्स को डायरेक्टली मारती है। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि इन सारे फूड प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट का पार्ट आप कैसे बना सकते हैं, और साथ साथ कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 20 नेचुरल फूड्स और उनके अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे थे एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहला है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, जिसमें पिपरिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। स्टडीज दिखाती हैं कि पिपरिन कंपाउंड को रेगुलरली लेने से ब्रेस्ट और लिवर में कैंसर स्टेम सेल्स में ऐसे मॉलिक्यूलर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं जिससे वो स्टेम सेल्स बढ़ने लगते हैं, जिसको कई अलग अलग स्टडीज ने साबित भी किया है। ये इंडिया में आसानी से मिल जाता है, इसीलिए अपनी हीलिंग जर्नी में इसको पार्ट जरूर बनाइए। अगला हर्ब है फीवर फ्यू, जिसमें पार्थेनोलॉइड नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो स्टडीज के अकॉर्डिंग कई सारे अलग अलग कैंसर के स्टेम सेल्स को जड़ से खत्म कर देता है, जिसमें ब्रेस्ट, ब्लड और लंग कैंसर के स्टेम सेल्स शामिल है। जो लोग इसको अपनी डाइट का पार्ट बनाना चाहते हैं वो इसको सप्लीमेंट या पाउडर की फॉर्म में ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। फिर आता है क्वर्सेटिन, जो आपको रेड अनियंस, केपर्स या त्रिफला पाउडर जैसे प्रोडक्ट्स में मिलता है। इनफैक्ट रेड अनियन में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्वर्सेटिन मौजूद होते हैं। क्वर्सेटिन में इतनी पावर है कि मल्टीपल स्टडीज के अकॉर्डिंग वो ब्रेस्ट, ओरल, पैनक्रियाटिक और कोलन कैंसर के स्टेम सेल्स को मारने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। ये प्रोडक्ट्स भी आपको बाजार में इजीली मिल जाएंगे। अगला हर्ब है मिल्क थिस्टल, जिसको इंडिया में दूध पत्रा के नाम से भी जाना जाता है और जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही, लेकिन इसके अंदर पाए जाने वाला कंपाउंड सिलिबिनिन कैंसर स्टेम सेल्स को मारने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो स्टडीज के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट, लंग, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर स्टेम सेल्स को मार देता है। इसके भी आपको बहुत सारे सप्लीमेंट अमेज़न में मिल जाएंगे। अगला कंपाउंड है ओलिक एसिड, जो कि आपको बड़ी सारी सीजनिंग जैसे थाइम, बेसिल यानी तुलसी या ओरिगैनो में मिल जाएगी। ये ओलिक एसिड भी स्टडीज के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट, कोलन, प्रोस्टेट कैंसर के स्टेम सेल्स को मारने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगला प्रोडक्ट है अश्वगंधा, जो इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अश्वगंधा में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे विटाफेरिन ए कहते हैं। ये कंपाउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग इसको रेगुलरली लेने से ब्रेस्ट कैंसर स्टेम सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सोरालिडिन की, जो बापची ऑयल में मिलता है। ये कंपाउंड भी काफ़ी सारे कैंसर के स्टेम सेल्स को मारने में बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन स्टडीज के अकॉर्डिंग ये प्रोस्टेट कैंसर स्टेम सेल्स को मारने में एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद बात करेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो ऑलमोस्ट हर घर में पाया जाता है। ये प्रोडक्ट है जिंजर यानी अदरक, जिसमें कंपाउंड पाया जाता है जिसे 6-जिंजरॉल कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जिंजर में एक और भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड पाया जाता है जिसे 6-शैगॉल कहा जाता है, जिसको एक 2015 की स्टडी के अकॉर्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग बताया है जो ब्रेस्ट कैंसर स्टेम सेल्स को मारने में 10,000 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है कीमोथेरेपी ड्रग टैक्सल के कंपैरिजन में। इसीलिए जिंजर को अपनी डाइट का पार्ट तो ज़रूर ही बनाइए। इसके बाद अगला कंपाउंड है एपिगेलो कैटेचिन 3 गैलेट, जो कि ग्रीन टी और माचा टी में पाया जाता है। ये कंपाउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्टडीज के अकॉर्डिंग ये ब्रेस्ट, कोलन, पैनक्रियाटिक कैंसर के स्टेम सेल्स को रोकने और रिवर्स करने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। इसके बाद बात करेंगे हर घर में पाए जाने वाला प्रोडक्ट टर्मरिक यानी हल्दी के बारे में। हल्दी के बेनिफिट्स तो ऑलमोस्ट सबको ही पता है, लेकिन मल्टीपल स्टडीज ने यह भी साबित किया है कि ये हल्दी के अंदर एक कंपाउंड कर्क्यूमिन ये पाया जाता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सीधा कैंसर स्टेम सेल्स को मारता है, और स्टडीज के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ब्रेस्ट, ब्रेन, कोलन, पैनक्रियाटिक स्टेम सेल्स को मारने में।
अगला कंपाउंड है डेल्फिनिडिन, जो कि ब्लूबेरी रास्पबेरी में पाया जाता है और जो न्यूरोब्लास्टोमा यानी ब्रेन कैंसर स्टेम सेल्स में बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको फ्रेश ब्लूबेरीज या रास्पबेरीज मिलती हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिलती हैं तो आप अमेज़न से इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके बाद चेरीज और लैवेंडर, जिसमें पेरिलिल अल्कोहल पाया जाता है, जो कि स्टडीज के अकॉर्डिंग लिम्फोमा और लंग कैंसर स्टेम सेल्स को मारने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगली हर्ब है मिंट, जिसमें लिनालूल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि ल्यूकीमिया स्टेम सेल्स को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद बात करते हैं बहुत ही फेमस हर्ब के बारे में, जिसे चाइनीज स्कल कैप के नाम से जाना जाता है, जिसमें कंपाउंड पाया जाता है बैसिलिन, जो कि स्टेम सेल्स को रोकने में मेजर रोल प्ले करता है और सबसे ज़्यादा तो ब्लड और कोलन कैंसर स्टेम सेल्स को। इसका एक्सट्रैक्ट भी आपको सप्लीमेंट फॉर्म में अमेजोन पे मिल जाएगा। अगला कंपाउंड आइसोथियोसाइनेट, जो कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स फैमिली जैसे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बॉक्चर, आरोगोला, केल, इन सब में पाया जाता है। ये कंपाउंड प्रोस्टेट, पैनक्रियास, सर्वाइकल कैंसर स्टेम सेल्स को रोकने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही कैरेट या दूसरे लीफी ग्रीन जैसे केल, बीट ग्रीन या रोमेन लेटस में बीटा कैरोटीन मौजूद होते हैं। बीटा कैरोटीन एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर कंपाउंड है, जो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग न्यूरोब्लास्टोमा यानी ब्रेन कैंसर के स्टेम सेल्स को ख़त्म करने में बहुत बेहतरीन रोल प्ले करता है। इसके बाद बात करेंगे विटामिन D3 की, जो कि फिश, एग योक या कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि विटामिन D3 कितना स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिएंट है जो हमारा शरीर धूप से जनरेट करता है, लेकिन विटामिन D3 की बहुत ही खास बात यह भी है कि विटामिन D3 कैंसर स्टेम सेल्स को डीएक्टिवेट भी कर देता है। इनफैक्ट स्टडीज के अकॉर्डिंग ये ब्रेस्ट कैंसर स्टेम सेल्स को ख़त्म करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए वो है ग्रेप्स, प्लम्स और बेरीज, जो रेस्वेरेट्रॉल में भरपूर होते हैं। स्टेम सेल्स की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खासियत है कि ये कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी जैसे ड्रग से नहीं मरते, लेकिन जब इंसान रेस्वेरेट्रॉल पाए जाने वाले फूड्स खाता है तो उसमें देखा गया है कि वो कीमोथेरेपी जैसे ड्रग से जल्दी मर जाते हैं और स्टेम सेल्स उन ड्रग्स को रेजिस्ट नहीं करते। इनफैक्ट इसको एक स्टडी जिसमें गैस्ट्रिक कैंसर सेल्स इन्वॉल्व थे उसमें देखा गया है। अगला प्रोडक्ट है ग्रेपफ्रूट या टोमेटो, जिसमें लाइकोफीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को मारने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आखिरी कंपाउंड है जेनिस्टीन, जो कि एक हर्ब में पाया जाता है जिसे रेड क्लोवर कहते हैं। जेनिस्टीन कंपाउंड में भी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज है कि वो ब्रेस्ट कैंसर स्टेम सेल्स, किडनी को जड़ से ख़त्म करने में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ये है वो 20 प्रोडक्ट और उनके अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स जो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करने चाहिए, चाहे आपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स लिए हैं और रिलैप्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं, या आप बिना ट्रीटमेंट के ही खुद को नेचुरली ठीक कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में स्टेम सेल्स को मारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये कंपाउंड सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स या खाने की चीज़ों में ही आपको मिलते हैं। आप इन कंपाउंड्स को गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये कंपाउंड्स और कौन कौन से खाने की चीज़ों में मिलते हैं। जो भी आपके रीजन में आपको मिल सकते हैं उन सबको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे प्रोडक्ट्स को शामिल करें, लेकिन जो प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं उन्हें लेना ज़रूर चाहिए। इसीलिए इनको इंक्लूड करके अपने रिलैप्स के चांसेस को जड़ से ख़त्म करें या अपने नेचुरली ठीक करने के चांसेस को तेज़ी से बढ़ाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने इन कंपाउंड्स की कुछ ही कैंसर की स्टडीज़ को शामिल किया है जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दूसरे प्रकार के कैंसर की डिटेल्स भी मिल जाएंगी जिसमें ये कंपाउंड्स बहुत इफेक्टिवली स्टेम सेल्स को मारते हैं। इसीलिए आप उनको रिसर्च कर सकते हैं और इनफैक्ट आप ये पाएंगे कि ये 20 प्रोडक्ट और उनके अंदर के कंपाउंड मेजॉरिटी कैंसर के स्टेम सेल्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। याद रखिए कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग स्टे हेल्दी।